कुत्तों और बंदरों के बीच छिड़ी जंग, खून का बदला खून से ले रहे बंदर। अब तक 250 कुत्तों की मौत से दहशत में ग्रामीण। महाराष्ट्र के बीड से अनोखा मामला सामने आया है। यहां बंदर कुत्तों के लिए काल बन गए हैं। इस जिले में कुत्तों और बंदरों के बीच खूनी जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के बीच दहशत है। गांव वालों का कहना है कि बंदर बदला लेने के लिए कुत्तों के बच्चों को मार रहे हैं। बंदरों ने पिछले एक महीने में करीब 250 कुत्तों को ऊंचाई से फेंक कर मार डाला। अब उन्होंने छोटे बच्चों पर भी हमला शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला बीड जिले के माजल गाँव का है। माजल गाँव से करीब 10 किलोमीटर दूर लवूल गाँव स्थित है। करीब 5000 आबादी वाले इस गांव में अब कुत्तों का कोई बच्चा नजर नहीं आता है। यहां पिछले एक महीने से बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। वो कुत्तों का कोई भी बच्चा नजर आने पर उठा लेते हैं और फिर किसी ऊंचाई वाले स्थान से नीचे फेंक देते हैं। कुत्तों और बंदरों के बीच हुए झगड़े से पूरे गाँव में दहशत है। गाँव वाले इस घटना की जानकारी वन विभाग को भी दे चुके हैं। विभाग द्वारा टीम भेजी गयी है, लेकिन वो किसी भी बंदर को पकड़ने में नाकाम रहे। वन विभाग की नाकामी के बाद बंदरों के आतंक के चलते ग्रामीणों ने कुत्तों को बचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन ऐसा करना उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऊंचाई वाली इमारत पर पहुंचने के बाद बंदर उन पर भी हमला कर रहे हैं। इस वजह से कुछ लोग बंदरों के हमले और कुछ ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर ऐसा बदला लेने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब कुत्तों ने एक बंदर के बच्चे को मार दिया था। इसके बाद ही बंदरों ने चुन चुन कर कुत्तों के पिल्लों को उठाना शुरू कर दिया। बंदरों का झुंड गांव में कुत्ते के बच्चों की तलाश में आता है और उन्हें उठाकर अपने पास रख लेता है। वो इन पिल्लों को ऊंची इमारत या पेड़ पर लेकर जाते हैं और वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। कई बार तो भूख और प्यास की वजह से भी पिल्लों की मौत हो जाती है। बंदरों ने पिछले एक महीने में गांव में अधिकांश कुत्तों के पिल्लों को मार डाला है। अब गांव में नहीं के बराबर पिल्ले बचे हैं। ऐसे में बंदरों ने इंसानी बच्चों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। इसके चलते पूरे गांव में दहशत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मसले पर वन विभाग का कहना है कि गांव वालों की तरफ से जानकारी मिली थी कि यहां बंदर काफी आतंक मचाया हुआ है। इसकी जांच के लिए टीम मौके पर भेजी गई, जहां उन्हें दिखाई दिया कि एक बंदर कुत्ते के बच्चे को लेकर काफी ऊंचाई पर बैठा हुआ था। बंदर पिल्लों को अपने पास रख लेता है। भूख और प्यास की वजह से उनकी मौत हो जाती है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए पिंजरे में कुछ बंदरों को कैद कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। हालांकि लोगों का कहना है कि इस समस्या का कोई ठोस हल निकालना जरूरी है। फिलहाल सोशल मीडिया पर बंदरों के हमले की ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।